सर है यहाँ जो लिखित जो शिकायत दी गई थी सिविल सर्जन ऑफिस में कि यहाँ बहुत नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा, उसकी भी क्रमवार हम लोग जाँच करेंगे और जाँच के बाद जो हम लोग जो सिविल सर्जन कार्यालय जो भी निर्णय होगा कार्रवाई की जाएगी, सील भी कर सकते हैं जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये घर में कुकुर मुट्टे की तरह उगाए निजी नर्सिंग होम में मरीजों के साथ इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण और जान से खिलवाड़ करने के ढेरों शिकायत मिलने पर आज मधुबनी के सिविल सर्जन के आदेश पर बिस्पी में अवैध रूप से संचालित लाइफ केयर सेंटर के नाम से संचालित एक निजी नर्सिंग होम की सघन जांच से जिले भर में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी जांच घर, अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में देखिए किस तरह से जब सिविल सर्जन के निर्देश पर एक निजी नर्सिंग होम की गहराई से जांच की गई तो वहां से क्या सब निकलकर सामने आया, जिसे जानना आप सबके लिए जरूरी है। परेशान हुआ उसको अब पानी चला जा रहा कि नहीं चला जा रहा, कि खाना हुआ कि नहीं हुआ, उतना भी नहीं होने नहीं चाहिए। वो आते नहीं हैं, आप करते हैं वो ऑपरेशन करने आते हैं फिर मरीज को देखने। बाबा ऑपरेशन के बाद बहुत देर होता है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि आज बिस्पी प्रखंड में अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी नर्सिंग होम के जांच के बाद दवा दुकानदार एवं निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा है। मधुबनी के सिविल सर्जन के आदेशानुसार दो सदस्यीय स्वास्थ्य जांच की टीम आज बिस्पी प्रखंड मुख्यालय स्थित अवैध रूप से संचालित लाइफ केयर सेंटर की जांच की। जांच के दौरान जो सबसे पहले नर्सिंग होम के कागजातों की खोजबीन की गई तो वह मिला ही नहीं, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित हो रहा था। फिर जब डॉक्टर स्टाफ के बारे में वहां के संचालकों से सघन पूछताछ की गई तो सभी बिना डिग्री के ही पाए गए। सभी के सभी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर भी बिना डिग्री वाले होने की बात सामने आई। पदाधिकारियों ने नर्सिंग होम के अंदर घूम घूम कर बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम में बेड पर लेटे मरीज और उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई। जांच दल में शामिल पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि लाइफ केयर सेंटर के निरीक्षण करने पर सभी प्रकार के चीजें अवैध रूप से संचालित पाए गए। सर बिस्पी मिल्लत चौक के समीप सुरनी पोखर है, वहाँ पे लाइफ केयर सेंटर जो चल रहा है आप लोग जांच कर रहे हैं उस हॉस्पिटल का, क्या मामला है सर, क्या सब पाया गया? हम डॉक्टर सुबोध सिविल सर्जन कार्यालय से आए हैं, डॉक्टर वी के झा से, और हम लोग एक यहाँ ग्रामीण के थ्रू दिया गया था कि बिस्पी प्रखंड में एक अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन चल रहा है जो लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से चलता है। ठीक आज उसके लिए हम लोग जाँच किए आए हैं। यहाँ जो हमने पाया है कि यहाँ के व्यवस्थापक, क्या नाम बताया, अरुण कुमार, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ निम्न प्रकार की सर्जरी होती है और हमारे यहाँ डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं, जो यहाँ पे बोले हिस्टेक्टोमी होती है, सिजेरियन होती है, हाइड्रोसील की सर्जरी होती है, लेकिन यहाँ जो जांच के क्रम में हमने पाया कि ये सबसे पहले हमने कागजात मांगा रजिस्ट्रेशन का कागज इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया और जो कुछ डॉक्टर से रिलेटेड संबंधित कागजात थे उसकी हमने मांग की है। जो डॉक्टर यहाँ पे पैनल हैं उसका नाम हमने लिखा है जो हाँ, ये कागज अभी दिखा नहीं पाए हैं, ये बोले कि हम उपलब्ध कराएंगे, तो हम इसकी क्रमवार जांच कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ जो लिखित जो शिकायत दी गई थी सिविल सर्जन ऑफिस में कि यहाँ बहुत नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा, उसकी भी क्रमवार हम लोग जाँच करेंगे और जाँच के बाद जो हम लोग जो सिविल सर्जन कार्यालय जो भी निर्णय होगा कार्रवाई की जाएगी, सील भी कर सकते हैं जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी फिलहाल कोई कागज नहीं दिखाया, अभी तक फिलहाल कोई डिग्री नहीं दिखाया गया नहीं, इन्होंने डिग्री कभी कोई नहीं दिखाया, ये अपना डिग्री दिखाएं क्या यहाँ पे? नहीं, इन्होंने अभी अपना डिग्री भी नहीं दिखाया है, इन्होंने कहा कि हम कहीं से सर इनका जो पेड है उस पर वो डॉक्टर का नाम नहीं है जो डॉक्टर आते हैं। हाँ, इन्होंने कुछ हम उसका फोटोकॉपी ले लिए हैं कि यहाँ पे जो पैड है लाइफ केयर क्लिनिक का उसमें कुछ डॉक्टर्स का नाम है
जो कुछ डॉक्टर इसमें नहीं आते हैं, जो सर्जरी करते हैं उनका नाम नहीं है, तो इसकी हम जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक डॉक्टर है, वो अपने आप को डॉक्टर बोल रहे हैं, मनोज कुमार, जो हमेशा यहाँ पे आते हैं सर्जन करने। मनोज कुमार का कोई पैड पे नाम नहीं, उनका सर फोटो भी आपको दिखाया हूँ मैं। नहीं ठीक है, उसके उसका वीडियो आप दे दीजिए, उसकी सभी प्रकार के चीजें अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिसकी हर एक बिंदुओं पर सघन जांच की जा रही है। लाइफ केयर के संचालक से कागजात की मांग करने पर सीधे हाथ खड़े कर दिए और लीपापोती करने लगे एवं तरह तरह के बहाने उनके द्वारा बनाए जाने लगे, जिस पर उसे तत्काल ही कड़ी फटकार जांच अधिकारियों के द्वारा लगाया गया। जैसे हम उनको डॉक्टर साहब बोले, आप बोले सुर से नहीं मतलब है ना, जो नियम होगा सो न होगा। हम कई पेपर आते हैं पेपर से। अच्छा, यहाँ क्या क्या काम होता है? सर्जरी होता है नॉर्मल सर्जरी। कौन सी का सर्जरी? जैसे मरीज कोई भी पहले मरीज को देखा नहीं ना। आसिफ क्या? सिर्फ आसिफ? सिर्फ डॉक्टर आसिफ? ये क्या करते हैं? और जांच दल ने आगे बताया कि प्रखंड क्षेत्र में संचालित अन्य नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और जांच घरों की भी बहुत जल्द जांच की जाएगी। जांच टीम द्वारा आज जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपे जाने की बात कही गई, उसके बाद सिविल सर्जन के आदेशानुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को सील किया जाएगा। जांच अधिकारियों ने लाइफ केयर सेंटर को अवैध रूप से संचालित होने की पुष्टि कर दी। भेज देंगे सर, फोटो हम ले लेते हैं। सबसे रोचक तथ्य जो सामने आया है आज की जांच के दौरान, प्रखंड क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे ऐसे अवैध नर्सिंग होम एवं दवा दुकानों का शटर गिराकर तत्काल ही सभी के संचालक फरार हो गए थे। आगे की क्या सब कार्रवाई होती है, कब तक जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी जांच घरों की जांच कर उस पर कार्रवाई होती है, उसे हम आपके सामने जरूर लाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।